हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गणपत पर नॉलेज। तो आज का टॉपिक है टाइप ऑफ बैंक्स। तो आज देखेंगे हम कि कितने तरीके के बैंक होते हैं और उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से बैंक्स पढ़ेंगे हम। कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, कॉरपोरेट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक, फॉरेन बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक और एट लास्ट मर्चेंट बैंक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक। ओके, तो आ जाओ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। तो कमर्शियल बैंक पढ़ लेते हैं। कमर्शियल बैंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बैंक एंड कमर्शियल बैंक एसेंशियली प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट एंड दे आर कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड मनी टू बैंकिंग फर्म्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स, कंज्यूमर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट टू मेकिंग प्रॉफिट। ओके, तो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बैंक होते हैं, ऊपर से इनका एक मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट बनाना, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं? पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं और उसको लेंड करते हैं, उधार देते हैं बिजनेस फॉर्म्स को, ट्रेडर्स को और फार्मर्स को और कंज्यूमर्स को फॉर द पर्पज़। किस पर्पज़ के लिए? जिससे वो इसका इस्तेमाल कर सके, कंजप्शन कर सके और उसको इन्वेस्ट कर सके थोड़ा सा और प्रॉफिट बनाने के लिए। ओके, तो आज हम सेकेंड पढ़ लेते हैं, डेवलपमेंट बैंक। तो डेवलपमेंट बैंक पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसमें क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ये। बोले तो कुछ नया है इस, स्पेशल मतलब कुछ स्पेशल है, कुछ नया है, कुछ अच्छा है। ओके, इट्स प्रोवाइड अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू बिजनेस यूनिट्स। और ये क्या, जो फाइनेंस, जो लोन प्रोवाइड कराते हैं ये लॉन्ग टाइम और मीडियम टाइम के लिए ही लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, बोले तो 5 से 10 साल के बीच में ही। ओके, शॉर्ट टाइम के लिए लोन प्रोवाइड नहीं कराते। इट डज़ नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। और ये जो जनरल पब्लिक, जो आम पब्लिक है, उनसे ये डिपॉजिट्स नहीं लेते। ओके, और इट इज़ नॉट जस्ट अ टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूट, इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। और ये क्या है? ये सिर्फ लैंडिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये सिर्फ उधार देने वाला इंस्टीट्यूट नहीं है, इसके पास मल्टीपर्पज़ है, ठीक है ना, मल्टीपर्पज़ के लिए है। जैसे कि डेवलपमेंट बैंक है तो डेवलपमेंट के लिए है। ओके, इट इज़ अ एसेंशियल, इट इज़ एसेंशियल और डेवलपमेंट ओरिएंट बैंक। ये क्या है? एक डेवलपमेंट ओरिएंट बैंक है कि डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा सोचता है, मतलब डेवलपमेंट के लिए आया है। और इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग अ इन्वेस्टमेंट। और ये क्या है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। कैसे? बाय प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, कि लोगों को बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करो। ओके, और इट प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस नॉट ओनली टू प्राइवेट सेक्टर बट ऑल्सो अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और ये क्या है? ये जो लोन देता है या फाइनेंशियल असिस्टेंस, असिस्टेंट क्या होते हैं? ये असिस्टेंट वो सब होते हैं जैसे कि इक्विटी हो गए, डिबेंचर हो गए या लोन हो गए, ओवरड्राफ्ट हो गए, क्रेडिट हो गए, तो असिस्टेंस का मतलब ये सब होता है। ओके, तो ये क्या कर रहा है? ये फाइनेंशियल असिस्टेंस सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी देता है एंड टू प्रमोटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। और ये जो प्रमोट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बैकवर्ड, मतलब जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनके, उनमें भी ये प्रमोशन करता है। ओके, आप थर्ड पढ़ लेते हैं। कॉर्पोरेटिव बैंक इज अ रिटेलर बैंक। कॉर्पोरेटिव बैंक क्या है? एक रिटेल बैंक है। रिटेल बैंक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसकी ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो छोटी होती है, ठीक है ना, एक बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि 2 करोड़ हो गए, 3 करोड़ हो गए, मतलब करोड़ों लाखों में ये लोग डील नहीं करते हैं, हज़ारों में ही डील कर लेते हैं। कमर्शियल बैंक ऑर्गेनाइज ऑन कॉरपोरेटिव बेसिस, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक किसके? कॉरपोरेटिव बेसिस के ऊपर बना है, ठीक है। कॉरपोरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल टेक डिपॉजिट और लैंड मनी। और जो ये डिपॉजिट भी लेते हैं और लैंड मनी भी करते हैं, किसके? इन द मोस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब ज़्यादातर दुनिया के भागों में ऐसे ही होता है, सारे कॉरपोरेट बैंक ऐसे ही वर्क करते हैं। ओके, तो आप कॉरपोरेटिव बैंक के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं क्या होते हैं। कॉरपोरेटिव बैंक मेंबर बोथ कस्टमर एंड ओनर ऑफ द बैंक। कॉरपोरेटिव बैंक के जो मेंबर होते हैं, कस्टमर भी होते हैं और ओनर भी होते हैं। ओके, एंड कंट्रोल बाय द मेंबर हु डेमोक्रेटिकली इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और कौन कंट्रोल कौन करता है? जो डेमोक्रेटिकली बनता है मेंबर, मतलब जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, वो कंट्रोल करता है।
मेंबर यूजुअली हैव इक्वल वोटिंग राइट्स, और मेंबर्स के बाद क्या है, मेंबर्स के पास इक्वल वोटिंग राइट होता है, ठीक है, कि मतलब एक बंदे का एक ही वोट माना जाएगा। अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ईयरली प्रॉफिट बेनिफिट और सरप्लस इज यूजुअली अलोकेट टू कंसेक्यूटिव रिजर्व्स। अच्छा, जो इनके ईयरली प्रॉफिट्स आते हैं, सरप्लस आता है, तो वो उनका क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव इन्होंने एक रिजर्व्स बना रखे हैं उसमें डालते हैं। एंड अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट कैन बी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू कॉरपोरेटिव मेंबर विद द लीगल लिमिटेशंस, ठीक है। और ये क्या है, मतलब जो प्रॉफिट होता है वो आपस में बांट लेते हैं, ओके, वो भी लीगल लिमिटेशन, मतलब जो भी कानून है उसके दायरे में रहते हुए कॉरपोरेटिव मेंबर्स अपना प्रॉफिट आपस में बांट लेते हैं। तो हम फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ LDB इज़ टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ लैंड एग्रीकल्चर एंड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। दे ऑल्सो गिव लॉन्ग टाइम लोन टू फार्मर्स फॉर एक्वायरिंग न्यू लैंड, ओके। तो ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है, डेवलपमेंट ऑफ लैंड एग्रीकल्चर और इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिससे कि एग्रीकल्चर की मतलब जो खेतों में प्रोडक्शन ज़्यादा हो और जो हमारी लैंड्स हैं वो सही हो, ठीक है, उपजाऊ बने, ठीक है, इन सब के लिए क्या प्रमोशन करता है। और ये लोग लॉन्ग टाइम लोन्स देते हैं किसको, फार्मर्स को, किस लिए, जिससे वो नई ज़मीनें खरीद सके। ये जो लॉन्स है ये लोन है, ओके। तो आई होप ये फोर्थ पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। फिर तो फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बैंक कौन से होते हैं, व्हेन अ कॉरपोरेटिव एंटिटी वांट टू इशू नियर शेयर और डेप्ट सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट बैंक सर्व द रोल ऑफ इंटरमीडिएटरी द दे सम टाइम ऑल्सो मेक इन्वेस्टमेंट इन दोज कंपनी थ्रू परचेजिंग द इक्विटी शेयर्स, ओके। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करती है, जो कॉरपोरेटिव एंटिटी मतलब जैसे कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, वो अपने न्यू शेयर्स या डेप सिक्योरिटीज़ को मार्केट में लाना चाहती है, तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक उनकी हेल्प करता है इंटरमीडिएटरी की तरह, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए ये इनके शेयर्स और डिबेंचर ये लोग बेचते हैं, और कभी कभी तो ये लोग खुद ही खरीद लेते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इक्विटी शेयर्स को ये खुद ही खरीद लेते हैं, ओके। तो सिक्स पॉइंट देख लेते हैं, मर्चेंट बैंक। कि मर्चेंट बैंक क्या कहता है, अ मर्चेंट बैंक हेल्प अ कंपनी टू सेल इट्स न्यू शेयर्स टू जनरल पब्लिक एंड द मेन जॉब ऑफ द मर्चेंट बैंक इज रेज द मनी टू लैंड इंडस्ट्री, ओके। फिर दे डू नॉट लैंड मनी बट इनसीड हेल्प द सर्कुलेट मनी फ्रॉम दोज हु वांट टू लैंड टू फॉर्म्स एंड हु विश टू बोरो। अच्छा, तो ये क्या है कि जो मर्चेंट बैंक है जो नए शेयर्स को बिकवाने में हेल्प करता है पहले तो कंपनीज़ की, ओके। और इनका मेन जॉब क्या है कि कहीं से पैसा उठाते हैं और फिर उसको लैंड कर देते हैं, बोले तो उधार देते हैं किसी इंडस्ट्री में, ठीक है। ये लोग अपना पैसा नहीं लगाते, बट ये पैसे को सर्कुलेट करते हैं मनी को, ठीक है। जो एक तो जो उधार देना चाहता है, ठीक है, उससे जो उधार लेना चाहता है उसको ऐसे करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये मर्चेंट बैंक समझ आ गया होगा। तो अब फॉरेन बैंक पढ़ लेते हैं कि फॉरेन बैंक क्या है। फॉरेन बैंक इज दोज बैंक विच बिलोंग टू द फॉरेन कंट्री एंड देयर इनकॉर्पोरेटेड हेड ऑफिस इन फॉरेन कंट्री एंड ब्रांच ऑफिस इन अदर कंट्री and the share capital of the foreign bank will be fully contributed by foreign investors, okay। तो जो ये foreign bank होता है belong करता है foreign bank से, और इसका जो main head office है वो भी foreign bank में होता है, लेकिन जो इनका branch office है वो India में होता है, और जो इनके share capital होते हैं जो investors होते हैं वो भी foreign में होते हैं, तो यही होता है foreign bank, okay। तो आज पढ़ लेते हैं central bank। central bank क्या होता है, द सेंट्रल बैंक इज़ द बैंकर्स बैंक एंड इट इज़ ऑल्सो बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, इट्स कंट्रोल द एंटायर
बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द इंडियन सेंट्रल बैंक। ओके, तो जो सेंट्रल बैंक होता है सारे बैंकों का बैंक होता है। तो सारे बैंकों का बैंक क्यों होता है? क्योंकि जो ये सेंट्रल बैंक है सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। ओके, जो भी रूल रेगुलेशन है वो सेंट्रल बैंक ही बनाता है। और ये गवर्नमेंट का भी बैंक है, मतलब जो मेन गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का पैसा भी इधर ही जमा रहता है। ओके, जो फिस्कल मतलब राज्य खजाना आप बोल सकते हैं। और ये क्या है, पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है कंट्री की। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही सेंट्रल बैंक है इंडिया का। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।